किसी ने पूछा ऑस्ट्रेलिया बेटर है या कनाडा, आप बताइए कि कौन सी कंट्री में जाना चाहिए। कंट्री कोई भी बुरी नहीं होती, हम लोग भारत में बैठे हैं इसलिए हमारे लिए भारत अच्छा है। जिस कंट्री में आपका कारोबार है, जहाँ आप रोटी खा रहे हैं, जहाँ आपको रोज़गार मिला हो, वो कंट्री आपके लिए बढ़िया होती है। फिर भी बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, आप अपनी राय बताइए। मुझे पूछा जाता है अपनी राय बताइए कि ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए या कनाडा जाना चाहिए। देखिए, दोनों कंट्रियों के अपने अपने मायने हैं। कौन विदेश जाता है आज पढ़ने के लिए? जिसके पास पैसे होते हैं, जिसके माँ बाप अच्छी पढ़ाई अफोर्ड कर सकते हैं, वो लोग पढ़ने के लिए जाते हैं। पढ़ने वाले लोग कम हैं, लोग पढ़ाई के वीज़ा पे काम करने जाना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, इसलिए लोग विदेश जा रहे हैं। आज पढ़ाई के वीज़े पे बच्चा जाता है, कुछ पढ़ाई पढ़ लेता है, कुछ काम सीख लेता है, कुछ काम कर लेता है और नागरिकता भी हासिल कर लेता है। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि ऑस्ट्रेलिया में पीआर नहीं होती। ये आपके मन के अंदर भी बहुत सारे वहम होंगे। आपको भी लगता है ना कि ऑस्ट्रेलिया में पीआर नहीं होती, पीआर बहुत मुश्किल है। क्यों लगता है आपको? आइए कुछ फैक्ट पे बात करते हैं। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में इलेक्शन होके हटे हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो इलेक्शन हुए हैं, उन इलेक्शन में कुछ डेटा सामने आए हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कितने ऐसे भारतीय लोग रह रहे हैं जिन्होंने वोटें डाली हैं। हैरानीजनक आंकड़े आए सामने कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर 11 लाख लोग रह रहे हैं जिनको सिटीजनशिप पीआर मिली है। ऑस्ट्रेलियन जनसंख्या के अंदर 11 लाख भारतीय अवेलेबल हैं आज, तो 2, 4, 5, 10 लोगों की बात नहीं हो रही। ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है, एक देश है, जिसने 11 लाख भारतीयों को पीआर दी है। कौन है ये? ये कुछ चंद्रमा से नहीं आए लोग, ये भारत के नागरिक थे जो ऑस्ट्रेलिया में गए, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने उनको नागरिकता दी, आज वो लोग सिटीजन हैं। 11 लाख कम नहीं होते, ये वो लोग हैं जिन्होंने ईमानदारी से अप्लाई करा होगा, जिनके भी बहुत सारे सवाल रहे होंगे, सपने होंगे, चाहे किसी ने मेहनत करी होगी, हो सकता है मजदूरी भी करी हो। जो लोग ईमानदारी से चलते हैं कहीं ना कहीं जरूर पहुंच जाते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया में 11 लाख लोग सिटीजन हो सकते हैं भारतीय, तो आपकी भी पीआर हो सकती है। किन की नहीं होती? जिनके दिमाग में नेगेटिविटी होती है। आपको क्या लगता है, कनाडा में पीआर प्लेट में डाल के देंगे आपको? बहुत सारे लोगों को वहम है कि नहीं जी, हम तो नहीं जाते ऑस्ट्रेलिया, हम तो कनाडा जाएंगे, हमारे तो रिश्तेदार भाई बहन वहाँ पे हैं। क्या वो कनाडा छोड़ के सुबह इंडिया वापस आ जाएंगे आपके पास? जी नहीं। जो भी बंदा जिस कंट्री में मेहनत मजदूरी कर रहा है, अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, वहाँ की कंट्री उसको सारी फैसिलिटीज देती हैं। आज हमारे भी 150 करोड़ लोगों की आबादी है, यहाँ भी लोग अच्छी रोटी खाते हैं। ठीक है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसी को दुख है, किसी को सुख है, कोई ऐसी बाढ़ नहीं आई हुई, कोई लूट नहीं मची हुई, फिर भी लोग रह रहे हैं। बड़ी अच्छी इकॉनमी है हमारी, दुनिया के अंदर नाम है आज हमारी कंट्री का। अमेरिका जैसे नहीं हैं हम, पाकिस्तान जैसे भी नहीं हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हैं तो हम लोग ज़्यादा नीचे स्तर पे भी नहीं हैं। सो कोई भी कंट्री कम या ज़्यादा नहीं होती, एक अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। कनाडा में पिछले कुछ समय से भर भर के लोग जा रहे थे, आज उन्होंने उसकी तादाद में कटौती करी है। कनाडा द्वारा वीज़ा कम किया जा रहा है। जब मैं कहता हूँ कनाडा बंद हो गया है, मेरा भाव होता है कि भाई जेन्युइन बंदे को वीज़ा देंगे वो, उन्होंने पहुँचने वाले लोगों को, काम करने वाले लोगों को भी वीज़ा नहीं देना, क्योंकि और भी कंट्रियों से बंदे लेने चाहते हैं वो, उनको वहाँ पे भारत नहीं बनाना, हर कंट्री से वो लोग चाहते हैं लोग आए। आज वीज़ा की तादाद में भारी कटौती हुई है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं नहीं, बंद नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है। देखिए, दुकानदारी होती है हर किसी की।
हमारी भी दुकानदारी है, हम भी जब कहते हैं बंद हुआ तो हमने भी अपनी दुकान चलानी होती है। हमारा मकसद होता है कि जो काम हो रहा है उसके बारे में बात की जाए। किसी दुकान में सामान नहीं होगा बेचने के लिए, आदमी क्या बेचेगा? जितने वीज़े अप्लाई कर रहे हैं सारे तो रिफ्यूज़ होके आ रहे हैं। क्या सच बोलना भी गुनाह हो गया है? कब तक झूठ में लोगों को दिलासा देते रहे, भैया आज भी आ जाएगा, कल भी आ जाएगा, परसों भी आ जाएगा। आज लोग रिजल्ट चाहते हैं। भर भर के दुनिया इंग्लैंड जा रही है, क्या इंग्लैंड में पीआर हो रही है? जो लोग ये कहते हैं कि नहीं कनाडा बंद नहीं हुआ, हमारे पास आइए हम भेजेंगे, हर किसी का अपना काम करने का तरीका है। हम लोग नहीं भेजते इंग्लैंड किसी को, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंगली वो गलत है। अब कोई बंदा वैष्णो होता है, कोई वैष्णो नहीं होता, कोई वेजिटेरियन है, कोई वेजिटेरियन नहीं है, हर किसी को अलग अलग चीज़ पसंद होती है। यदि आपको कनाडा ने वीज़ा नहीं दिया, दो चार बार आपने अप्लाई कर लिया, अब किसकी वेट कर रहे हो? जो चीज़ मिल रही है उसको ले लीजिए। कनाडा जाएंगे, हो सकता है 6 महीने साल 2 साल लग जाए, यहाँ 2 महीने में फाइल लग जाएगी आपकी। ऑस्ट्रेलिया 2-3 महीने में आप पहुँच जाओगे। जाते जाते एक ही कंपैरिजन करूँगा, आपके घर से, आपके गांव से, आपके मोहल्ले से, आपके शहर से कोई जानने वाला ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है उसके घर जाके आइए एक बार। जिसका कोई बच्चा कनाडा गया हुआ है उसके भी घर एक चक्कर लगा के आइए। जिनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया गए होंगे उनके कपड़े पहनने का तरीका देखिए, उनके घर में रहने का तरीका देखिए, उनकी गाड़ियाँ देखिए, उनके मोबाइल फ़ोन देखिए, उनका रहना सहना देखिए। और जिनके परिवार के सदस्य कनाडा गए हुए हैं उनका रहन सहन देख लीजिए। इतने से ही आपको पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है। बाकी पढ़ने के लिए हर कंट्री अच्छी होती है। अगर आपके माता पिता के पास 2-4 करोड़ रुपया है आपकी पढ़ाई के लिए, आप मौज मस्ती करने के लिए जाना चाहते हैं, तो आप कहीं भी जा सकते हैं। आज समय ऑस्ट्रेलिया के हक में है, जिस दिन कनाडा के हक में होगा हम कनाडा के साथ खड़े होंगे। आज लाइफ बनानी है, वीज़ा लेना है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना पड़ेगा। धन्यवाद।